वेलकम टू एमटेक ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ बेस्ड। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री प्रोसेसेस। ठीक है, आपको अगेन यहाँ पे साइकिल दे दिया है। ठीक है, थ्री प्रोसेसेस बिगिनिंग एट एन इनिशियल स्टेट ऑफ स्टेट वेयर पी वन इक्वल्स टू वन बार। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वन बार इक्वल्स टू 10^5 पास्कल। ठीक है, वन बार इक्वल्स टू 10^5 पास्कल। आपको हमेशा क्या करना है, इसको SI यूनिट में रखना है। ठीक है, दैट इज पास्कल। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है पास्कल में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाद में करेंगे। वैसे V1 इक्वल्स टू 1.5 मीटर क्यूब, U1 इक्वल्स टू इतना 512 किलो जूल्स। द प्रोसेसेस आर एज फॉलोज। प्रोसेस 1 टू 2 देखो क्या दिया है, कंप्रेशन विद PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, 2 P2 इक्वल्स टू 2 बार। ठीक है, P1 आपको दे दिया, P2 आपको दे दिया। ओके, एक बार जो है ध्यान रखने वाली बात है वो है ये है कि PV अपना क्या होता है, PV इज़ टू कॉन्स्टेंट का मतलब अपन क्या समझते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या होना चाहिए आपका, T2 इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप केस दिया हुआ है, U1 की वैल्यू दी इतनी, और देखो U2 वैल्यू देखो कितना दिया यहाँ पे, 690 दिया हुआ है। U1 इक्वल टू 512 किलो जूल्स और U2 दिया अपने को 690 किलो जूल्स। इसमें अगर इक्वेट करोगे तो देखो दोनों के केस में टेम्परेचर जो है ना डिफरेंट आएगा। तो PV कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ना मानते, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस जो होता है ऑलमोस्ट आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत उससे मैच करता है, जो प्रॉपर्टी है उसकी उसका मैच करता है, लेकिन एग्जैक्टली आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के जैसा नहीं होता है। कौन, हाइपरबोलिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अपने कौन सा हाइपरबोलिक प्रोसेस हो जाएगा, फॉर्मूला सब वही यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, P2 दे दिया और U2 दे दिया है। प्रोसेस 2 to 3 में क्या दिया आपको, देर इज नो वर्क ट्रांसफर, देर इज हीट ट्रांसफर ऑफ -150 किलो जूल्स। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, प्रोसेस 3 to 1 में क्या दिया आपको, W31 इक्वल्स टू +50 किलो जूल्स। ये भी मुझे दे दिया है, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस डिटरमाइन द हीट इंटरेक्शन ऑफ Q12 एंड Q31। मुझे क्या निकालना, सिर्फ ये और ये निकालना है। ठीक है, तो देखो तो Q12 क्या होना चाहिए होता आपको, DU12 होना चाहिए प्लस ΔW12 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे DU12 आपको दिया हुआ है, U2 माइनस U1 दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच, 690 माइनस 512। देखो तो U2 वाले कितने दिया, 690 किलो जूल्स दिया हुआ है, और देखो U1 के लिए कितना दिया, 512 किलो जूल्स दिया है। इसको उसको माइनस कर लेंगे, बताओ कितना आएगा, जैसे 690 माइनस 512 इक्वल्स टू 178 किलो जूल्स। दिस इज हाउ मच, 178 किलो जूल्स। फाइन, ये अपना क्या हो गया, U12 वैल्यू मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, तो W12 चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो W12 देखो मुझे यहाँ पे कैसे निकालूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, बताओ अपना प्रोसेस कौन सा दिया आपने को, PV उससे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाले केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 बनता है। ठीक है, आइसोथर्मल केस में बताया था, और हाइपरबोलिक केस में हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे V2 पता है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन V1 मुझे यहाँ पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P2 पता, P1 पता है, तो सिंस मुझे अगर प्रेशर रेशियो पता है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम रेशियो को प्रेशर रेशियो में चेंज कर सकते हैं। कैसे, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ P1 अपॉन में P2। ये सब जो है आपको प्रूफ में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज को रखो और वैल्यू को निकालो। P1 देखो कितना दिया अपने, 1 बार दिया हुआ है, देखो P1 इक्वल टू 1 बार, तो यहाँ पे रखो 1 × 10^5 इंटू V1 देखो कितना दिया यहाँ पे, 1.5 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखो 1.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ P1 देखो क्या कितना है, 1 बार, P2 कितना है, 2 बार, तो 1 × 10^5 अपॉन में 2 × 10^5 या फिर उसमें कैंसिल हो जाएगा। इसको जो है मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ और मुझे क्या मिलेगा, W12 मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको आराम से निकाल सकता हूँ। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट W12। देखो क्या दिया यहाँ पे, पहले इसको निकालो, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, देखो कितना आएगा आपने यहाँ पे,
माइनस समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू 1.5, और देखो यहाँ पे क्या 10 की पावर दिया हुआ है, तो 10 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना है तुम्हारे यहाँ पे 103972, इसको देखो मैं क्या करूँगा किलो जूल्स में रखूँगा, तो क्या होगा 3 पीछे आ जाओ तो 103.97 आ जाएगा आपका आंसर, दिस विल बी -103.97 किलो जूल्स, ठीक है, ये अपना क्या होगा W12 वैल्यू हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे Q12 मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू ये बताओ कितना था अपना यहाँ पे 178 था, 178 माइनस 103.97, अब उसको जो आपस में जोड़ लो, ठीक है, इसको जो अपना आंसर आया था उसको मैं 1000 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा वो -103 बन जाएगा जो यहाँ पे है, अब ये माइनस में तो उसको करना क्या मुझे प्लस करना है किससे 178 से, तो प्लस 178 ऐड कर लिया, दिस इज हाउ मच 74.02, दिस इज हाउ मच 74.027 क्या गई है किलो जूल्स, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का, ठीक है, देखो तो ये किस में था किलो जूल्स में था, ये किस में था किलो जूल्स में था, तो ये किस में आएगा ऑब्वियसली किलो जूल्स में आएगा, ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग टू गेट द वैल्यू ऑफ Q31, इसको देखो कैसे निकालूंगा, सिंस Q31 इक्वल्स टू DU31 प्लस W31, ठीक है, ये बताओ W31 की वैल्यू मुझे यहाँ पता है कि नहीं, यस आई नो द वैल्यू ऑफ W31, तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ DU31 चाहिए, तो DU31 का मतलब क्या होगा U1 माइनस U3 होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ DU12 लिखता हूँ तो उसको कैसे लिखता हूँ मैं U2 माइनस U1 लिखता हूँ, तो वैसे ही जो पहले लिखा हूँ वो बाद में लिखूंगा, जो बाद में लिखा उसको पहले लिखूंगा, देखो जो मैं पहले लिखा उसको बाद में लिखूंगा, जो बाद में लिखा उसको पहले लिखूंगा, ये तरीका होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे U1 की वैल्यू मुझे पता है क्या, यस आई नो द वैल्यू ऑफ U1 दैट इज हाउ मच 512, अब मुझे बताओ क्या मुझे U3 की वैल्यू पता है क्या, देखो तो U3 की वैल्यू कहीं भी नहीं दिया हुआ है, हम क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है, -U3 ओके, इसको रहने दो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आने से देखो मुझे क्या मिलेगा, सिंस Q23 इक्वल्स टू DU23 प्लस W23, इसकी वजह देखो मुझे कितनी दी है यहाँ पे -150 किलो जूल्स दिया हुआ है, -150 किलो जूल्स इक्वल्स टू U23 मतलब क्या होगा U3 माइनस U2 हो जाएगा वैसे अपोजिट, ठीक है, प्लस देखो आपको यहाँ पे W23 कितना दिया 0 देती है, तो ये अपने क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से मैं मुझे देखो अपने को यहाँ पे U2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बताओ किस में है आपका किलो जूल्स में दिया हुआ है, और ये भी देखो किस में आपको दिया है किलो जूल्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो लेट इट बी, उसको सिर्फ फॉर्म में रहने दो, मुझे क्या चाहिए U3 चाहिए, तो U3 इक्वल्स टू दिस प्लस दिस होगा, तो U3 इक्वल्स टू -150 प्लस U2, ठीक है, -150 प्लस U2 हो जाएगा अपना ये, ठीक है, तो -150 प्लस ये अपना कितना 690 दिया हुआ है, तो उसको जोड़ दो आपस में, तो कितना बनेगा आपने 690 माइनस जो कितना 150 दिया है यहाँ पे -150 जो कितना आएगा आप 540 आएगा, दिस इज 540 किलो जूल्स, ठीक है, अब यहाँ पे रखो देयरफॉर DU31 इक्वल्स टू 512 माइनस U3 देखो कितना है 540 है, 540 यहाँ पे अपना हो गया, इसको माइनस कर लो 512, देखो अपना आंसर कितना पिछले का 540 है, तो उसको कैसे लिखूंगा पे 512 माइनस आंसर, ये आंसर कौन सा जो पिछले वाले का था दैट इज 540 इक्वल करो देखो कितना आएगा आपका -28 आया, तो ये अपना कितना आएगा -28 किलो जूल्स, ये कोई नेगेटिव वगेटिव नहीं है, ठीक है, ओके ये अपना -28 आ गया, अब इसको यहाँ पे रख लो कहाँ पे यहाँ पे रखो, तो Q31 इक्वल्स टू DU31 प्लस W31, ये बताओ कितना अपना है -28 आया, और W31 को कितना अपना दिया 50 दिया हुआ है +50, तो +50 रखा है यहाँ पे, ठीक है, अब दोनों को ऐड करो कितना आएगा अपने यहाँ पे 22 किलो जूल्स, ठीक है, एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसको आप बनाइए घर पे बैठ के, 2-3 बार बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।